सत्र 2023-24 की यूडाइस प्लस की स्टूडेंट मॉड्यूल में एक नई अपडेट आई है, जिसमें सभी शिक्षक साथियों को एक नए मॉड्यूल स्कूल कम्प्लीशन मॉड्यूल पर अनिवार्य रूप से कार्य करना है। आपने अभी तक जितने भी बच्चों का स्टूडेंट डाटा एंट्री कंप्लीट करी है, उनका भरा हुआ डाटा कंप्लीट तभी माना जाएगा जब तक आप यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल में इस नए मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं कर लेते, और कंप्लीट करने के बाद विद्यालय में उसकी प्रति भी आपको रजिस्टर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखनी होगी। इसलिए आज ही अपना यह कार्य जरूर पूरा कर लें। अब यह कार्य कैसे करना है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आप यूडाइस प्लस SDMS मॉड्यूल पर अपने स्कूल का यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा लिखकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद होम पेज पर आपको एक न्यू मॉड्यूल स्कूल कंप्लीशन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने से पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में चार कार्य आपको वेरीफाई करने होंगे कि आपने यह कार्य पूरे कर लिए हों, तभी आप इस मॉड्यूल को फाइनल करें। पहला, एड न्यू स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल लेवल और ब्लॉक लेवल, यानी कि अपने विद्यालय में जो भी स्टूडेंट आपको खुद ऐड या ब्लॉक लेवल से ऐड कराने थे, वह कार्य पूरा हो चुका हो। दूसरा, अगर किसी अन्य विद्यालय से आपको किसी स्टूडेंट को अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना है, वह भी कार्य पूरा हो चुका होना चाहिए। तीसरा, आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों का प्रोफाइल GP, EP, SP आदि कंप्लीट कर लिया हो। और चौथा, अगर आपको किसी बच्चे का क्लास या सेक्शन शिफ्ट या बदलना हो, तो उसको भी इस क्लास सेक्शन शिफ्ट ऑप्शन से आप पूर्ण कर चुके हो। अगर आपका इनमें से कोई भी कार्य पूरा नहीं हो, तो आप चैनल पर अपलोडेड यूडाइस प्लस हेल्पफुल वीडियो से इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। और अगर आपके यह चार कार्य पूरे हो चुके हों, जो कि आप इस पेज पर दिए गए टोटल एनरोलमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कंप्लीटेड में सभी बच्चे शो हो रहे हों, और कोई भी बच्चा इन प्रोग्रेस और नॉट स्टार्टेड वाले ऑप्शन में ना दिखाई दे, इसमें जीरो ही आए, तब आप इस पेज पर नीचे दिए गए एनरोलमेंट समरी सर्टिफिकेट ऑप्शन से स्कूल एनरोलमेंट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें आपके स्कूल के एनरोलमेंट से संबंधित सभी डिटेल्स कैटेगरी वाइज लिखी होगी, और सबसे नीचे लिखा भी होगा थैंक यू फॉर सबमिटिंग द स्टूडेंट डाटा सक्सेसफुली। आप इस एनरोलमेंट कार्ड को प्रिंट करा के अपने स्कूल के रजिस्टर रिकॉर्ड में भी जरूर रख लें। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इसके बाद आपको इसी पेज पर नीचे दिए गए डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करना होगा, जिसमें लिखा है कि आपने सत्र 2023-24 के सभी बच्चों का डाटा बिना किसी गलत जानकारी के सही अपडेट कर दिया है, और फिर आप सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे और आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। साथियों, इसके अलावा PFMS पोर्टल से संबंधित सभी हेल्पफुल वीडियोस आपको चैनल पर PFMS पोर्टल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।